जनपद संभल के चंदौसी में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत दिए जाने वाले लोन देने में आवेदकों ने बैंक प्रबंधक पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। जनपद संभल के चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों ने इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस विषय में शाखा प्रबंधक ने बताया कि किसी भी आवेदक के साथ अभद्रता नहीं की गई। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सीधे तौर पर उनसे और नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से संपर्क करें, किसी भी बिचौलिए के माध्यम से नहीं। हमारे पास 100 आवेदकों की फाइल आई है जिसमें से 40 का लोन भी हो चुका है और शेष आवेदकों के भी जल्द मंजूर कर लिए जाएंगे। वहीं उन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि वे अपना मोबाइल खुला रखें जिससे कि बैंक द्वारा बताए गए नंबर पर वे अपना OTP भेज सके। शनिवार को आई थी, शनिवार को बोले फॉर्म लेके आओ, मैं आई थी शनिवार को तो उन्होंने फिर वहाँ से वापस कर दिया। कई स्टाम्प लगेगा 100 रुपये वाला, हमने वो मंगाया 2-10 रुपये के स्टाम्प मिले थे। अब वो लेकर आई, बोले सीओ की लगा का मोर, बोले वाले बोले सीओ की मोरी नहीं है, वो करना में पर्ची है, पर्ची मोर लगा का। फिर वापस गई मैं, फिर मोर लगा कर लेकर आई, फिर उन्होंने मेरी फाइल पूरी वापस कर दी। ये काम नहीं होगा, यहाँ से जाओ। मैं लेडीज़ों के लिए समाज सेवा करती हूँ, अगर कोई परेशान है तो उनकी हेल्प करती हूँ। लेडीज़ मेरे घर पे आती है, मैं उनके लिए यहाँ आ जाती हूँ। तो आप किस समस्या को लेकर बैंक? समस्या की थी, आज सुबह किसी ने मुझे फ़ोन करके लेडीज़ों ने बुलाया, मैं इलाहाबाद बैंक आई। इलाहाबाद बैंक में लेडीज़ों ने मुझे बताया कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमसे बदतमीजी बोली जा रही है, आप आओ और अंदर जाके बात करो इनसे। तो मैं अंदर मैनेजर के पास गई, मैंने उनसे बातचीत करी तो उन्होंने कहा यहाँ पे चुन्नी मोहल्ला के मैडम कोई काम नहीं होंगे, आप जा सकती हो। मैंने कहा क्यों नहीं होंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कोई काम नहीं होने वाले, तुम जाके अपना काम कर सकती हो। और हमने इस लेडीज से भी कह दिया कि यहाँ पे ना खड़े हो, तो भी बार बार आ रही है हमारे पास, क्या इनका ही काम है? तो आपने 3 दिन से नहीं बुलाया, क्यों, क्या मतलब आता है बुलाने का? शनिवार को भी लेडीज आई, संडे को भी आई, आज सोमवार है, सोमवार को भी बुलाया, क्यों बुलाया? इलाहाबाद बैंक है तो ये लेडीज परेशान हो रही है। इन्होंने फिर से मुझे बुलाया, इन्होंने फिर से मुझसे कहा कि मेरा फॉर्म मंत्री साहब ने जो पोर्टल है, ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के लॉन्च चल रहे हैं, हमारे पास 100 के आसपास एप्लीकेशन आए हैं, 100-110 के एप्लीकेशन, जिसमें हम 50 का निस्तारण कर चुके हैं। और ये निस्तारण हमने सिर्फ 2 दिन के अंदर किया है, शनिवार और इतवार में, और आज सोमवार को भी चल रहा है काम, ठीक। अब एक साथ जब लोग आ गए तो भाई एक आदमी के लोन में कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, ये तो आप मानते हैं। फिर भी हम लोगों ने सुबह 10 बजे से ब्रांच खोल के और शाम के 7 बजे तक काफ़ी लोगों का हम खींचा, और हमने करीब 25-30 फाइलें पूरी भी कर दी। अब इसके बाद आप ये देखेंगे, अगर आप मेरी कॉल डिटेल लगवाएंगे, शनिवार के दिन मैंने करीब 80-90 लोग, 100 लोग थे ना, इसमें मोबाइल नंबर आ रहे थे, सबके नंबर नहीं मिले, कुछ के स्विच ऑफ थे, कुछ के साइलेंट थे, तो मेरे करीब 70-80 लोगों से टॉप भी हुआ। उन लोगों को मैंने बुलाया कि आप यहाँ आ जाइए, अपना डॉक्यूमेंटेशन कम्प्लीट कर लीजिए, जो कुछ दिक्कत होगी वो बता दी जाएगी, सॉल्व करा दी जाएगी। भाई जो बैंक की ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उसके अनुसार आप पूरा करा दीजिए और तुरंत लोन फाइनेंस हो जाएगा। हमने वो करा, उसको पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया, इसमें अधिकतर लेडीज़ का हो भी गया। हाँ ये है कि देखिए जब एक साथ 25-30 आदमी आ जाते हैं, व्यक्ति आ जाते हैं, तो पहले का तो पहले नंबर पे होगा और आखिरी वाले का 25वें नंबर पे होगा, नेचुरल सी बात है सर। और हर एक में 15-20 मिनट, मैं कितना भी जल्दी कर लूं, तो उसको 15-20 मिनट टाइम लगेगा। तो इस 15-20 मिनट में हो सकता है थोड़ा तकलीफ़ रही हो इन्हें, कि वेट करने की तकलीफ़ है ये है। अच्छा, रह गई बात आरोप की, तो इसमें से मैं आपको बता दूं, कल कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग जो ये सिफारिश लेके आ रहे थे कि इनका लोन कर दीजिए, इनका लोन कर दीजिए, उनको मैंने हटा दिया था। मैं दलालों को पसंद नहीं करता हूँ, दलाल टाइप के जो लोग हैं, इस तरह ये काम है कि मैं करूँ, हमारे संग हमारा आदमी बैठा हुआ है, हम फॉर्म भरवा रहे हैं, सब व्यवस्था करा रहे हैं, पर दलालों को प्रवेश स्वीकृत नहीं है, ना दलालों से। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने 40 लोन किए हैं, मैंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया है, ठीक है, मैंने अगर इनकी चिंता नहीं होती तो मैं अपने फ़ोन से फ़ोन ना करता। मैंने जो फ़ोन किया है वो एक रिकॉर्डेड चीज़ है, अगर कल और आज आप रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो कॉल डिटेल्स निकलेंगी सर, मेरा फ़ोन नंबर आएगा, उनका भी आएगा, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो ऐसा मेरा कोई मनसा नहीं थी मैं अभद्रता करता, अगर मुझे अभद्रता करनी होती या इस काम से बचना होता तो मैं अपने फ़ोन से फ़ोन ना करता। दूसरी बात, 40 लोगों का काम हुआ है, उसमें से 2-3 दलाल के मैंने हटा दिया है, वो 2-3 दलाल ही कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 2-3 दलालों का काम इसलिए है कि उनके दलाली खानी है, मैंने वो रोक दी, जहाँ दलाली रुकती है वहाँ इस तरह के आरोप लगते हैं, झूठे और झूठे आरोप हैं मेरे ऊपर सारे के सारे। मैंने 40 लोगों का काम किया, 100 लोगों की एप्लीकेशन थी, आज ही 20 लोग करीब हैं जिनका ख़त्म हो जाएगा,
तो नगर पालिका से हमारी बात ही, तो उन्होंने कहा स्टाम्प का कोई सिस्टम है ही नहीं। मैं यही बता रहा हूँ शनिवार को हमारे पास जो गाइडलाइन थी उसमें हमारे एक हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट होता है बैंक का, उसमें 100 रुपये स्टाम्प ड्यूटी होती है। शनिवार की शाम को हमें कंफर्म हुआ कि हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बैंक ने वेव कर दिया है इस फेस के लिए। फिर हमने ये हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जैसे ही वेव हुआ है, हमने सभी को मना कर दिया कि आप 100 रुपये का स्टाम्प ना लें, सिर्फ 1 रुपये का रसीदी टिकट लगेगा। 1 रुपये का रसीदी टिकट, जो लाल वाला रेवेन्यू स्टाम्प होता है ना, सिर्फ वो लगेगा, वो लगना है डॉक्यूमेंटेशन इसमें। हाँ, पर इसमें कुछ कंडीशन जो मैंडेटरी हैं वो ये हैं कि या तो LOR होगा जो नगरपालिका जारी करती है, या नगरपालिका के EO साहब जो एक वेंडर स्ट्रीट सर्टिफिकेट होता है वो देंगे, वो इसमें कंपलसरी है। अगर वो नहीं मिलता है तो हमारा जो DMC मॉड्यूल है ऊपर बैंक का, वो लोन को स्वीकृत नहीं करेगा। तो मेरी कोशिश ये रही है कि किसी भी जो अभ्यर्थी है या जो भी है उसका डॉक्यूमेंट पूरा हो जाए बैंक के हिसाब से, ताकि उसका लोन सुनिश्चित हो जाए डिसबर्स होना। मेरी मेन प्रायोरिटी रही है कि कागज़ पूरे हो गए, टाइमली कागज़ पूरे हो गए, जल्दी से जल्दी हो जाए। अब हुआ यह है कि सारे लोग एक साथ आ गए, तो उस वजह से थोड़ा किसी को तो वेट करना पड़ेगा सर। पहले वाले का पहले होगा, लास्ट वाले का लास्ट में ही आएगा, और एक 15 से 20 मिनट एक फाइल में लगता है।